लक्ष्मीकांत बेर्डे बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिसने फिल्मों में कॉमेडी की एक अलग लेवल को सेट किया था। हिंदी सिनेमा में लक्ष्मीकांत सलमान खान की हर फिल्म की बैकबोन हुआ करते थे। आज हम आपको इनके बारे में बताने वाले हैं। लक्ष्मीकांत को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। वो मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे और चौल में पले बड़े थे। स्कूल में भी वो ड्रामा में पार्टिसिपेट करते रहते थे। चौल में होने वाले गणेश महोत्सव के दौरान वो एक्टिंग किया करते थे और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने पर वो बहुत सारे प्राइजेस जीतते थे। एक्टिंग में करियर बनाने के लिए वो मुंबई मराठी साथिया संघ प्रोडक्शन हाउस के साथ भी जुड़ गए। इससे जुड़ने के बाद उन्हें मराठी फिल्मों में साइड रोल मिलने लगे। कुछ समय तक बेर्डे ने साइड रोल किया, फिर उन्हें एक मराठी फिल्म तूर तूर में काम मिला। इस फिल्म में बेर्डे ने बतौर लीड एक्टर काम किया। इसके बाद लक्ष्मीकांत ने अपनी कॉमेडी से बड़े बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ दिया। तूर तूर के सुपरहिट होने के बाद उन्हें काम मिलने लगा और देखते ही देखते वो मराठी सिनेमा के कॉमेडी किंग भी बन गए। लक्ष्मीकांत ने फिल्मों के अलावा कुछ टीवी शोज में भी काम किया। बेर्डे ने जहां हाथ आजमाया वहां उन्होंने सफलता पाई। फिल्म धूम धड़ाका ने लक्ष्मीकांत को रातों रात स्टार बना दिया। मराठी और हिंदी करियर मिलाकर बेर्डे ने 200 से ज्यादा फिल्में की। मराठी फिल्मों के स्टार बेर्डे ने जब हिंदी सिनेमा में काम करना शुरू किया तो वो वहां पर भी छा गए। बेर्डे ने 1989 में हिंदी फिल्म मैंने प्यार किया से डेब्यू किया था। हिंदी सिनेमा में बेर्डे की 100 डेज, हम आपके हैं कौन, साजन बेहतरीन फिल्मों में से एक है। भले ही बेर्डे साइड रोल में रहते हो लेकिन फिल्म में उनकी भूमिका दमदार होती थी। सलमान की कई फिल्मों में इन्होंने नौकर का किरदार निभाया लेकिन जबरदस्त एक्टिंग से वो नौकर नहीं हीरो बन गए। कभी कभी तो उनकी एक्टिंग हीरो पर भी भारी पड़ जाती थी। फिल्म धूम धड़ाका और ऐसे ही बनवा बनवी बेर्डे के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी। मराठी फिल्म लक्ष्य के लिए दर्शक बेर्डे को कभी नहीं भूल पाएंगे। बेर्डे की पर्सनल लाइफ उनकी फिल्मों की तरह फिल्मी रही। बेर्डे ने रूही बेर्डे से शादी की थी। रूही ने भी फिल्म हम आपके हैं कौन में काम किया था। कुछ समय बाद बिना डाइवोर्स लिए दोनों अलग हो गए। इसके बाद लक्ष्मीकांत एक्ट्रेस प्रिया अरुण को डेट करने लगे और साथ में रहने लगे। दोनों ने अपनी शादी के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। साथ में रहते हुए दोनों के दो बच्चे तेजस्वनी और अभिनय हुए। साल 2004 में गुर्दे की बीमारी के चलते बेर्डे का निधन हो गया, लेकिन जब तक वो जिए अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाते रहे। बेर्डे ने अभिनय आर्ट्स के नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया था। कम ही लोग जानते होंगे कि लक्ष्मीकांत एक अच्छे गरुण वादक और गिटार वादक भी थे। बेर्डे के फ्यूनरल पर मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। लक्ष्मीकांत का साल 2004 में देहांत हो गया था। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।